हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अभी जो है आज है चांद रात और ये है थोड़ा सा राशन जो हमने सोचा कि इस बार हम दीदी को देंगे। जैसा कि रमज़ान आ रहा है, उन लोगों को भी ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की। और रमज़ान तो वैसे भी बरकत का महीना है, आप जितना दोगे उतना बरकत आएगा आपके हर चीज़ों में, कभी भी कम नहीं होगा। तो हमने सोचा क्यों ना दीदी को रमज़ान का जितना भी राशन है वो सब में से थोड़ा थोड़ा उनको दिया जाए। तो ये पापा अलग से उनके लिए लेके आए हैं ताकि हम लोग ये पूरा उनको दे दे उठा के। बाकी ये अलग से यहाँ पे बेसन आया जो कि अभी अभी मिल में पिसा के आया है, जो कि बहुत गरम गरम है, वहीं पे पैक भी होता है ये। तो ये पूरा पैकेट ही अभी गरम है और अभी हम लोग दीदी के आने का वेट कर रहे हैं, तो उनको दे देंगे। একটু আরাম কইরা, রুজে টুজা খুইলা, তারপর আগে বাসন টাসন ধুয়ে দিবেন যা আছে, আর যা থাকবো নিয়ে যাবেন। আর রুজা রুজা আপনি লাগলে এখানে খুলতে পারেন, আমার এখানে नहीं। रोजा खोलने के बाद जब भी आपको टाइम मिले, 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे। सुने नहीं आपने कोता सी जे रोजा जुदी एकेले खुलते चान एकेले खुलते पर बच्चा लोग है ना उसका ना एक तो बोलला मार के हमने बोले दिला मामा एकेले कोनो असुविधा नहीं, किंतु बासन बासन दीते अपने 1 घंटा पोरे आबेन ना रोजा जो खुले आराम कर रहा तापर आबेन की আছে তোমার তো সামনে ঘর এখানে ঘর সামনে সামনে তো কোন সা দূর আছে और अभी मैं जल्दी जल्दी अपना ब्रश लेके जा रही हूँ अंदर वाले रूम में, क्योंकि मैं डेली सुबह बाहर ब्रश करती थी, लेकिन अब तो सहरी के वक्त ब्रश करना है हमें। तो मैंने हॉल में लाके अपना ब्रश रख दिया ताकि सहरी करने के बाद मेरे लिए आसानी हो जाए ब्रश करना। तो अभी हो चला है सहरी का वक्त और हम लोग आ गए हैं किचन में। देखते हैं आज क्या करते हैं सहरी। वैसे यहाँ पर तो लच्छा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे लच्छा है, तो आज पहले रमज़ान में पहले सहरी में हम लोग करेंगे लच्छा और दूध। ये कोलकाता का लच्छा है, बहुत ही अच्छा होता है, एकदम वाइट होता है, दूध में जाने के बाद एकदम मलाई हो जाता है ये। और ऑलमोस्ट हम लोग को थोड़ा लेट हो गया उठने में, तो चाय तो आज नहीं बन पाएगी, पहले रोज़े में मुझे चाय नहीं मिल पाएगी, बहुत अफसोस है। लेकिन जल्दी जल्दी अभी हम लोग सहरी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी हो चुका है सुबह और आज है पहला रोज़ा हमारा और हम यहाँ पे बना रहे हैं शरबत रू अफ़ज़ा, हम सबका फेवरेट हमेशा से।
यहाँ पे मैं कर रही हूँ समोसे की तैयारी। ये है कीमा जो हम लोग समोसे में फिल करेंगे और फिर बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे हमारे पहले रमज़ान के यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रूट कट चुके हैं। ये है खीरा जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रमज़ान में, जिसको हम खाते हैं चने के साथ। यहाँ पे अम्मी जो है निकालना स्टार्ट कर चुकी हैं सारा अफ्तार, बाकी ये सारा जाएगा दुकान पे और वहाँ पे हम लोगों ने समोसा को ऑलरेडी फोल्ड कर दिया, बस छानना है। और यहाँ पे ये समोसा सारा फोल्ड हो चुका है जिसको बस अभी छान के फिर अम्मी को दे देंगे और अम्मी सारा अफ्तार जो है निकाल देंगे इस तरह से। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक समोसा टिप जो है शेयर करना चाहूँगी। जब भी हमारा फ्लेम हाई रहता है और समोसा जो हम लोग डालते हैं तेल में, तो तुरंत में उसको फ्लिप कर दिया करिए। इससे क्या होता है, एक साइड का वो लाल हो जाता है, दूसरा साइड का ऐसा फूल जाता है, फिर वो फट जाता है और जितना भी उसमें का कीमा है ना उसके अंदर का वो निकल के बाहर आ जाएगा। इससे पहले कि वो निकल के बाहर आ जाए आप तुरंत में फ्लिप कर दिया करिए डालते के साथ, वो कभी भी नहीं फटेगा। सो अभी रोज़ा खोलने में बस आधे घंटे बाकी रह गए और मैं जा रही हूँ आंटी को देने के लिए। आंटी को देने के लिए मुझे छत पे से जाना पड़ता है, छत में से इजी हो जाता है, वैसे रोज़ा रखे कुछ भी इजी नहीं है। ये आया है हमारे बगल वाले के यहाँ से इफ्तार और इसमें इन्होंने बनाया मटर पुलाव, खीर, बाकी चना वाना नॉर्मल। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। और आज है रमज़ान का पहला रोज़ा और इफ्तार का वक्त जो है यहाँ पे बस लगभग हो चुका है। सो यहाँ पे हम लोग 5:30 बजे इफ्तार कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं इफ्तार करने के लिए, क्योंकि इफ्तार से पहले दुआ भी मांगनी होती है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल करते हैं। चलिए इफ्तार करते हैं। मुझे तो पसंद है।